दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है, तो आइए एक नजर डालते हैं आज की नजरलाइंस पर। अपने ही फ्लैट में फंसी मां बेटी स्काई क्रेन की मदद से 2 घंटे तक चला रेस्क्यू, लॉक खराब होने से घर में बंद हो गई थी। वैलेंटाइंस डे पर कोरोना से राहत, उदयपुर में सिर्फ 19 मामले सामने आए, ये 4 जनवरी के बाद सबसे छोटा आंकड़ा। उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड धूनी माता में हजार्ड वेस्ट के टैंकर में कार्य करते हुए हुआ ब्लास्ट, श्रमिक बुरी तरह झुलसे, कौन है जिम्मेदार? अपनों की ही महफिल में बेगाने क्यों है महाराणा प्रताप? दुबई और देश के पार्लियामेंट में तक लगी है महाराणा प्रताप की आदमकद विशेष प्रतिमा, जन्म स्थली कुंभलगढ़ में क्यों नहीं? शुभम को बल्लेबाज बनाने को कोच ने पढ़ाई छुड़वा दी, बुरे दिल से छक्के मारता है, अब राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा। पुलिस सुरक्षा में निकाली बिंदोली, दूल्हे को था दबंगों का डर, 4 थानों के जवान गाँव में रहे तैनात। बेटे की शादी में डांस करती माँ की मौत, दूल्हे की गोद में ही तोड़ दिया दम, एक दिन बाद लेने थे फेरे। 23 लोगों को 3 माह की सजा, जलाराम में 4 गांव भूमि पर अतिक्रमण का है मामला। उदयपुर उपजोन कार्यालय गायत्री शक्तिपीठ सलुम्बर का पावन लोकार्पण हुआ संपन्न। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के भुआना इलाके में स्थित मानस अपार्टमेंट की 3री मंजिल पर एक फ्लैट में परिवार के 2 सदस्य फंस गए। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्काई क्रेन की सहायता से टीम के सदस्य बालकनी से फ्लैट के अंदर प्रवेश किए और रूम खोलकर परिवार के सदस्य को सुरक्षित बाहर निकाला। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला जा सका। फायर अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि मानस अपार्टमेंट में रहने वाले प्रहलाद सिंह किसी काम से अपने घर बाहर गए थे, इस दौरान उनकी पत्नी और बेटी फ्लैट के रूम का लॉक खराब होने की वजह से अंदर ही फंस गए। मशक्कत के बाद भी जब ये लॉक खोलने में सफल नहीं हो पाए, फ्लैट में गेट अंदर से बंद होने के चलते पड़ोसी भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में नगर निगम की दमकल टीम को सूचना दी गई। सूचना पर निगम की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने फ्लैट को मेन गेट तोड़ने का प्रयास किया, परिवार के सदस्यों ने गेट तोड़ने के लिए मना कर दिया। इसके बाद निगम की स्काई क्रेन को मौके पर बुलाया गया। क्रेन के बकेट में सवार होकर फायर अधिकारी व्यास और अपार्टमेंट का एक व्यक्ति बालकनी के सहारे फ्लैट के अंदर गए। इस दौरान फ्लैट मालिक भी उदयपुर पहुंचे। व्यास ने अंदर से फ्लैट मुख्य गेट खोल दिया। इसके बाद प्रहलाद ने बाहर से लॉक खोलकर परिवार के सदस्यों को बाहर निकाला। रेस्क्यू को करने में करीब 3 घंटे का समय लगा। वहीं परिवार के सदस्यों के बाहर निकलने पर सभी ने राहत की सांस ली। फरवरी के 14 दिनों में अब तक उदयपुर में 3,320 कोरोना रोगी सामने आ चुके हैं। उदयपुर में वैलेंटाइंस डे के दिन कोरोना के आंकड़ों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। सोमवार को उदयपुर में महज 19 कोरोना रोगी सामने आए, ये पिछले लगभग 1.5 माह में कोरोना का सबसे कम आंकड़ा है। इससे पहले 4 जनवरी को उदयपुर में कोरोना के 9 मामले सामने आए थे, उसके बाद अब 19 रोगी सामने आए। हालांकि कम सैंपल की टेस्टिंग होना इसका बड़ा कारण है, मगर पॉजिटिविटी रेट में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। सोमवार को चिकित्सा विभाग ने 658 सैंपल की टेस्टिंग की, इनमें से 19 सैंपल पॉजिटिव आए। तीसरी लहर के शुरुआती दिनों के बाद पहली बार उदयपुर में पॉजिटिविटी रेट 3% के नीचे आई है। पॉजिटिविटी रेट अगर 5% से नीचे हो तो महामारी को नियंत्रण में माना जाता है। ऐसे में सोमवार को उदयपुर में 2.88% पॉजिटिविटी रेट दर्ज की गई। हालांकि सोमवार को ग्रामीण इलाकों में सैंपलिंग ज्यादा नहीं की गई। ऐसे में मंगलवार को एक बार फिर आंकड़े बढ़ सकते हैं, मगर औसतन कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। उदयपुर में फरवरी के 14 दिन में अब तक 3,320 रोगी सामने आ चुके हैं। हालांकि कोरोना के तेजी से गिरते आंकड़ों के चलते उदयपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या भी काफी कम हो रही है। उदयपुर में अब 606 एक्टिव मरीज ही बचे हैं, इनमें से 556 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि सिर्फ 50 रोगी ही अस्पताल में भर्ती हैं। सोमवार को उदयपुर में 235 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। इधर कोरोना को लेकर उदयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी का कहना है कि कोरोना अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अक्सर आपने पुलिस को वैलेंटाइन डे मनाते हुए नहीं बल्कि प्रेमियों के क्लास लगाते ही देखा होगा। इस दिन और भी ज्यादा चौकन्नी हो जाती है पुलिस, लेकिन सख्त पुलिस भी प्यार को समझती है, भले ही अपने तरीके से समझती है। इसलिए प्यार के इजहार का दिन को राजस्थान पुलिस एक दिन नहीं बल्कि पूरे सप्ताह मनाने वाली है, यानी कि वैलेंटाइन डे नहीं पूरा वीक सेलिब्रेशन किया जाएगा। सोशल मीडिया पर पहली बार पुलिस एक साथ 7 दिन का कैंपेन चला रही है। अच्छी बात यह है कि लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है कि लोगों को ये पसंद आ रहा है, तो देखिए इस वैलेंटाइन वीक मनाने का पुलिस का मूल उद्देश्य यह है कि लोगों तक गलत खबर न पहुंचे। वैलेंटाइन वीक में हर दिन के लिए अलग मैसेज तैयार किए गए हैं।
थीम फेक न्यूज ही रखी गई है। इसी सप्ताह से 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में अलग अलग चरणों का मतदान शुरू हुआ है। ऐसे में सोशल मीडिया पर अलग अलग फेक न्यूज वायरल होना भी शुरू हो गए हैं। इन्हीं फेक न्यूज के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने तैयारी की है। सोशल मीडिया के जरिए वैलेंटाइन वीक के अलग अलग दिन को मैसेज और पोस्टर्स से वायरल किया जा रहा है। ऐसी फेक न्यूज की जानकारी दी जा रही है। सोशल मीडिया पर राजस्थान पुलिस की मौजूदगी पिछले कुछ महीनों से और अधिक बढ़ गई है। नशे में वाहन चलाने, हादसों को लेकर और अन्य तरह के अपराध को लेकर राजस्थान पुलिस के मीम्स पहले भी वायरल हुए हैं। उनको लोगों ने सराहा भी है। पुलिस मुख्यालय के अफसरों ने बताया कि देश दुनिया की 70% से ज्यादा आबादी सोशल मीडिया पर है। उनके पास स्मार्टफोन है। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर राजस्थान की आवाज और बुलंद करने को लेकर प्लानिंग की जा रही है। तो देखिए, है ना कमाल का तरीका। तो अब आप भी फेक न्यूज से सावधान रहिए और सहभागी बन जाए इस वैलेंटाइन वीक के। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। बड़ी बड़ी कंपनियां जब अपने यहाँ काम शुरू करती है तो सबसे जरूरी और पहला संसाधन उसको चाहिए होता है, वो होता है मैन पावर। जी हाँ, श्रमिक। क्योंकि इन बड़ी बड़ी कंपनियों को खड़ा करता भी यही श्रमिक है और उन्हें निरंतर चलाता भी यही श्रमिक है। इन्हीं के मेहनत और पसीने पर उद्योग फलते फूलते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जब कामयाबी की सीढ़ियां इन मजदूरों के पीठ पर चढ़ के ये लोग ऊपर पहुंच जाते हैं तो फिर इनकी जान की परवाह किसे क्यों करें। फिर बहुत सस्ते लगते हैं ये श्रमिक और इनकी जिंदगी भी। तभी तो आए दिन अपनी जान पर खेल जाते हैं ये, पर बदले में इनकी सुरक्षा के बारे में कोई नहीं सोचता। कोई नहीं सोचता कि इनके मरने के बाद या इनके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए कि ये सक्षम न रहे काम करने में, तो फिर इनके घर चूल्हा जले, इसकी व्यवस्था कौन करेगा, कौन जिम्मेदार होगा इनकी ऐसी हालत का। कुछ सवाल है मेरे हर उस श्रमिक से जो अपनी मेहनत से अपनी जान की परवाह न करते हुए किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी के लिए सेवा देता है। और ये सवाल इसलिए जहन में आए हैं क्योंकि उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड धूनी माता में हजार्ड वेस्ट के टैंकर में कार्य करते हुए ब्लास्ट हो गया। इस पर लेबर आशीष त्रिपाठी निवासी मावली का मुंह जल गया और कैलाश प्रजापत निवासी टूस डांगियान के सिर में गंभीर चोट लगी, जिनको उदयपुर जेके फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत धूनी माता के सरपंच नरेश मेघवाल, नांदवेल सरपंच देवीलाल डांगी, उप सरपंच नानालाल नागदा, जिला परिषद सदस्य विनोद मेघवाल व उनके साथ ही अस्पताल पहुंचकर मरीजों की कुशल क्षेम जानी और परिजनों को हर समय मदद दिलवाने का आश्वासन दिया। उक्त हादसा सीमेंट प्लांट की लापरवाही की वजह से हुआ है। प्लांट प्रशासन पर आरोप लगाया गया है कि केमिकल के टैंकर पर बिना सेफ्टी के वेल्डिंग कार्य करवाया गया था। टैंकर एकांत एरिया में खड़ा था और वहां आसपास में कोई भी इनका सुपरवाइजर मौजूद नहीं था, जबकि उसकी देखरेख में काम होना चाहिए था। लेबर ने अंदर प्रवेश किया, उसका कोई परमिट नहीं था। उक्त लेबर को वेल्डिंग संबंधित कार्य आता ही नहीं है, वे प्रशिक्षित नहीं है, फिर भी इनसे यह कार्य करवाया गया। ये दिहाड़ी मजदूर थे, जबकि केमिकल के टैंकरों पर वेल्डिंग के स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, वही वेल्डिंग करते हैं। कोई सुरक्षा मानक यहां नहीं अपनाए गए थे, किसी भी प्रकार के सुरक्षा उपकरण इन श्रमिकों को नहीं दिए गए थे। ये सब बातें इस और इंगित करती हैं कि इन श्रमिकों की ये हालत सीमेंट प्लांट के प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई है, जिसकी कीमत ये मेहनत का श्रमिक एवं इनका परिवार आजीवन भुगतेगा। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा देते हुए श्रमिकों को उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। जहां विदेशियों सहित देश की संसद से लेकर अयोध्या, महाराष्ट्र सहित देश भर में मेवाड़ की आन बान शान के लिए अपना बलिदान देने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमाएं लगी हुए हैं, लेकिन प्रताप की जन्म स्थली कुंभलगढ़ में भी एक भी प्रतिमा नहीं है जो कि इस क्षेत्र को देश भर में प्रताप की जीवनी को प्रस्तुत कर सके। जिस जगह देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, उन्हें केवल महाराणा प्रताप की एक छोटी सी प्रतिमा दुर्ग से 1 किलोमीटर पहले दिखाई देती है, जो कि नाम मात्र की है। जिस योद्धा के बलिदान के चर्चे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में होते हैं, ऐसे योद्धा की एक चेतक घोड़े पर सवार अश्वारूढ़ प्रतिमा कुंभलगढ़ शुरू होने से पहले होनी चाहिए, जिससे कि इस क्षेत्र की और भी तारीफ हो। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही बने महाराणा प्रताप के जन्म कक्ष, जो कि पूरे साल बंद पड़ा रहता है, जिसके अंदर महाराणा प्रताप की एक तस्वीर तक नहीं है,
प्रताप जयंती के दिन केवल स्थानीय जनप्रतिनिधि और कर्मचारी इस कक्ष को खोलते हैं और पूजा करते हैं। साथ ही जो पर्यटक दुर्ग देखने आते हैं वे बाहर से ही कक्ष को देखकर चले जाते हैं। दुर्ग से 1 किलोमीटर पहले महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई है, वो भी किसी सरकार ने नहीं लगाते हुए रातों रात लगवाई गई थी, जो करीब 6 से 7 फीट तक की है, जो कि छोटे से सर्कल पर लगाई गई है। इसके साथ ही केलवाड़ा में भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा है, जो कि एक पार्क के अंदर है और वो मुख्य सड़क से नजर नहीं आती। अगर आप भूले नहीं तो आपको याद होगा कि पिछले 2 महीने पहले ही जयपुर के मूर्तिकार महावीर भारती के अथक परिश्रम से निर्मित हाथी पर सवार प्रताप की 14 फीट ऊंची और 2 टन से ज्यादा वजनी प्रतिमा का निर्माण किया गया, जो कि दुबई में लगी। इसके अलावा देश के पार्लियामेंट में भी प्रतिमा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने प्रताप के बारे में बताते हुए प्रतिमा स्थापित करवाई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इस पर कहा कि देश भर से कुंभलगढ़ देखने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, ऐसे में यहाँ एक विशाल प्रतिमा भी होनी चाहिए जिसको लेकर खुद पहल करेंगे, इससे कि यहाँ आने वाली हर पीढ़ी महाराणा प्रताप के बारे में जाने और समझ सके और इतिहास के बारे में भी रूबरू हो पाए। राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में काव्यांगन साहित्यिक संस्था द्वारा भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर को काव्यांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का आयोजन फतह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया, जिसमें शहर के 25 से अधिक साहित्यकारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कवियों और गीतकारों ने स्वर्गीय लता जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उनकी तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। काव्यांगन संस्था के संस्थापक रक्षित परमार ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य स्वर्गीय लता जी का संगीत के प्रति समर्पण, साहित्य संगीत को उनके अविस्मरणीय योगदान को याद करना, उनसे जुड़े संस्मरणों, गीतों, कविताओं के माध्यम से उनके प्रति सम्मान प्रकट करना है। इस दौरान एन के सनातन, अशोक सोलंकी, कनिष्क चौहान, मनीष सोनी, चिन्मय भट्ट, ओमान शैलेंद्र, सुधर्मा, नूतन बेदी, प्रेमलता सोलंकी, चेतन पानेरी, अर्जुन लाल सनाढ्य, अंकित शर्मा, जीआर मेघवाल, शुभम जैन, ओम मोहन भगत, अभिषेक पालीवाल, राहुल दुबे, गोपाल गोठवाल, मैक्स परमार, आलिया ने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कर स्वर्गीय लता जी को याद किया। रवि बिश्नोई के बाद जोधपुर के एक और क्रिकेटर को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में मौका मिला है। राजस्थान रॉयल्स ने जोधपुर के शुभम गढ़वाल को 20 लाख रुपए में खरीदा। रवि के कोच प्रद्युत और शाहरुख ने ही शुभम को तराशा है। शुभम के कोच प्रद्युत ने बताया कि जब हमने अकेडमी शुरू की तब शुभम को जबरदस्त दिल्ली से जोधपुर लेकर आए थे, प्रैक्टिस करवा कर तैयार किया था। शुभम के पेरेंट्स उसे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हमें मालूम था कि यह परफेक्ट बैटर यानी कि बल्लेबाज है, यह भी बहुत आगे तक जाएगा। कोच ने कहा कि शुभम दिल से छक्के मारता है और यह खूबी हर किसी में नहीं होती। शुभम जोधपुर के रसाला रोड पर रहते हैं, उसके पिता किराना की दुकान चलाते हैं। शुभम का कहना है कि जोधपुर से इंजीनियरिंग के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। 2015 में कोच प्रद्युत व शाहरुख वहां से जबरदस्ती लेकर आए थे। शुरुआत में कोच के साथ ही कॉलेज से खेलता था। शुभम ने बताया कि कोच ने ही मुझमें खूबी देखी और कहा कि मेरी शॉट्स अच्छे हैं, उसी की बारीकियों से प्रैक्टिस करवाई थी। तब से रोजाना 7 से 8 घंटे अकेडमी में प्रैक्टिस करता हूं। शुभम ने बताया कि अब परिवार वाले भी बहुत खुश हैं, उन्होंने कोच को ही सारा श्रेय दिया है। 5 माह पहले जयपुर में आयोजित कॉल्विन शील्ड प्रतियोगिता में शुभम गढ़वाल ने 12 बॉल में 50 रन बनाए थे। क्रिकेटर युवराज सिंह का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। भीलवाड़ा के 4 थानों की पुलिस सुरक्षा के बीच दूल्हे की बिंदोली निकाली गई। दूल्हे को अपने गांव के दबंगों का डर था, उसने सुरक्षा की मांग की थी। रविवार रात देवलिया गांव छावनी में बदल गया। मांडलगढ़ सीओ ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में मांडलगढ़, बिगोद, बिजोलिया व काछोला थाना प्रभारी और पुलिस लाइन से रिजर्व जाब्ता देवलिया में तैनात रहा। मांडलगढ़ सीओ ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार को देवलिया निवासी सूडाराम के बेटे नारायण की गांव में बिंदोली निकाली गई थी। सूडाराम ने इस बिंदोली में गांव के कुछ दबंगों की ओर से विवाद खड़ा करने की आशंका को लेकर सीएम पोर्टल व स्थानीय अधिकारियों को अर्जी दी थी। इसी के चलते रविवार को पुलिस सुरक्षा के बीच नारायण की बिंदोली पूरे गांव में निकाली गई। इस दौरान मांडलगढ़, बिगोद, बिजोलिया व काछोला थाना के जाप्ता और रिजर्व पुलिस को गांव में तैनात किया गया। उन्होंने बताया कि सोमवार को नारायण की शादी होगी। अपने बेटे की शादी में डीजे पर डांस करते करते मां की मौत हो गई। दूल्हा भी मां के साथ डांस कर रहा था। दूल्हे ने नीचे गिरी मां को संभाला, लेकिन मां ने उसके गोद में ही दम तोड़ दिया। पूरी घटना वहां मौजूद युवक के कैमरे में कैद हो गई। घटना 3 फरवरी की है, अब उसका वीडियो सामने आया है। दरअसल अलवर के चिकानी में सतीश व नीलम के बेटे नीरज की शादी थी। बारात किशनगढ़वास के बम्बोरा जानी थी, जहां 4 फरवरी को शादी के फेरे होने थे। 55 साल की मां नीलम ने 3 फरवरी को भात लिया था। इसके बाद रात को डीजे पर डांस चल रहा
रहा था। इसी दौरान नीलम को भी डांस करने के लिए कहा गया। वह डांस करते करते अचानक निढाल होकर जमीन पर गिर गई। बेटे ने तुरंत माँ को संभाला और हॉस्पिटल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने नीलम को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि नीलम ने कुछ सेकंड ही डांस किया था। बेटा नीरज भी माँ के पास आकर डांस कर रहा था, इतने में ही माँ डांस करते करते गिर गई और उनका हार्ट फेल हो गया। लगभग 20 सेकंड में ही उनकी जान चली गई। हादसे से परिवार पर पहाड़ जैसी मुसीबत आ गई। पहले माँ का अंतिम संस्कार किया, आंखों में आंसू भी नहीं सूख रहे थे। अगले दिन 4 सदस्य बारात लेकर शादी करने पहुंचे, केवल फेरे हुए। ग्रामीणों ने कहा कि जिले में इस तरह की घटना पहले कभी नहीं देखी। गाँव के लोगों ने बताया कि महिला को पहले से थोड़ी बहुत हार्ट की प्रॉब्लम भी चल रही थी, इसके लिए दवाएं चल रही थी। माना जा रहा है कि इसी कारण उस दिन अचानक डांस करते समय हार्ट अटैक आ गया। बीते कुछ महीनों में शादी समारोह में हार्ट अटैक से मौत के कई मामले सामने आए हैं। करीब 2 महीने पहले राजसमंद के कतरवास गांव में छोटे भाई की बिंदौली में नाचते नाचते बड़े भाई की मौत हो गई। शादी से एक दिन पहले रात में डीजे के साथ बिंदौली निकाली जा रही थी और इसी दौरान खुशी में बड़ा भाई नाच रहा था। अचानक उसे अटैक आया और वह भी नीचे गिर गया। उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां मृत घोषित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में भी अक्टूबर में पार्टी में गाने पर डांस कर रहे भोपाल के डॉक्टर सी एस जैन का हार्ट अटैक से निधन हो चुका है। डॉक्टर सी एस जैन शहर के प्रसिद्ध फॉरेंसिक मेडिसिन विशेषज्ञ थे। वे 1975 बैच के थे और शहर के 2 सबसे पुराने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स में से एक थे। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। सलुम्बर उपखंड क्षेत्र के जलारा उप तहसील अंतर्गत ग्राम सिंहपुर में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामले में न्यायालय के उप तहसीलदार जलारा के 33 लोगों को 3 माह की सजा सुनाई गई। जलारा उप तहसील न्यायालय के न्यायाधीश एवं नायब तहसीलदार श्याम सिंह चारण ने हाईकोर्ट के निर्देशन अनुसार PLPS के तहत आराजी 1115 रकबा 19 हेक्टेयर किस्म चारागाह पर अतिक्रमण के मामले में राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम सिंहपुर के 33 अतिक्रमण के आरोपियों को अतिक्रमी घोषित कर भौतिक रूप से बेदखली उपरांत भी बार बार अतिक्रमण करने के कारण पश्चात प्रति अतिक्रमी घोषित करते हुए प्रभावी कार्यवाही करते हुए 33 अतिक्रमणकर्ता आरोपियों को 3 माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई है। परिवर्तन व सजा से दंडित आरोपी जिला मार्ग बताते कलेक्टर न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सलुम्बर गायत्री शक्तिपीठ लकापा सलुम्बर उदयपुर राजस्थान पर डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन दिव्य भारत युवा संघ के उपजोन कार्यालय का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी आशीष, प्रांतीय दिया संयोजक विवेक विजय, जैसलमेर से रमेश छंगानी, प्रतापगढ़ डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ के आदरणीय शांतिलाल जाट एवं ग्रामीण परिवार सलुम्बर के संरक्षक परमानंद मेहता एवं सभी के मार्गदर्शक हेमंत भट्ट की गरिमामय उपस्थिति में उपजोन कार्यालय उदयपुर का शुभारंभ गायत्री शक्तिपीठ पर हुआ। तत्पश्चात एक दिवसीय कार्यशाला संस्कृति हॉल के अंदर संपन्न हुई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम आगंतुक अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत उद्बोधन संजय खटीक ने दिया, भूमिका सुनील ने एवं सलुम्बर की गतिविधियों के संबंध में प्रतिवेदन कपिल मेहता ने प्रस्तुत किया। संयोजन शिव सुत ने किया, शांतिलाल ने ग्राम में रचनात्मक गतिविधियों के संदर्भ में पूरा व्याख्यान दिया। रमेश छंगानी ने दिया राजस्थान की अब तक की गतिविधियों के संदर्भ में PPT के माध्यम से अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य केंद्र के रूप में युवा की परिभाषा समझाते हुए आज के संदर्भ में युवा की शक्ति, श्रम और क्षमताओं को समाज में नव सृजन के लिए किस तरह प्रयोग में लाया जाए, इस हेतु सभी को मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्रदान की गई। विवेक विजय ने दिया की उपादेयता एवं दिया क्या कर सकता है संकल्प को बताया। कार्यक्रम के दौरान करेली गांव को दिया के आगामी रचनात्मक कार्यों हेतु गोद लिया गया। गोविंद सिंह प्रिंसिपल ने उनका गांव गोद लिए जाने पर सभी का आभार अभिनंदन व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान दिया ओजोन की नवगठित कार्य करने का माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया गया। आभार अभिनंदन के रूप में हेमंत भट्ट ने सभी आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के पश्चात भोजन प्रसाद का सभी अतिथियों को विदाई दी गई। विश्वकर्मा सुथार समाज छपन चोखला द्वारा मुख्य मंदिर सलुम्बर में समाज द्वारा प्रभु विश्वकर्मा की रथ यात्रा का भव्य आयोजन रखा गया। सलुम्बर विश्वकर्मा मंदिर से रथ यात्रा का आरंभ होकर गांधी चौक, बाहर का शहर, खाई मोहल्ला, होली चौक, रावली पोल होते हुए सलुम्बर सरनी तालाब पर प्रभु को स्नान करवाया गया एवं आरती की गई। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर।
दोस्तों सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।